राजगुरुही नगरी में परमात्मा मयूरी स्वामी का आगमन होता है। राजा श्रेणिक परमात्मा को वंदन करके प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा आपके 14,000 शिष्यों में कौन से शिष्य सबसे अधिक कर्म निर्जरा करने वाले हैं? परमात्मा कहते हैं, धन्नाणगार। यह धन्नाणगार है कौन? काकंदी नामक नगरी में जीत शत्रु राजा राज करते हैं। इस नगरी में शुभ दिन पर भद्रा सेठानी एक पुत्र रत्न को जन्म देती है। पुत्र का नाम रखा जाता है धन्य। अत्यंत चतुर और रूपवान धन्य बड़ा हो जाता है। ठाठ माठ के साथ 32 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ उसका विवाह होता है। एक दिन धन्य को संदेश मिलता है, काकंदी नगरी में परमात्मा महावीर स्वामी का आगमन हुआ है। धन्य तुरंत ही तैयार होकर परमात्मा को वंदन करने जाता है। परमात्मा की देशना सुनकर धन्य कुमार को वैराग्य होता है और परमात्मा से कहते हैं, प्रभु मुझे अणगार बनना है, बस मेरी माता जी भद्रा की अनुमति लेकर मैं दीक्षा लेने आता हूँ। धन्य घर जाते हैं, दोनों हाथ जोड़कर माता को विनंती करते हैं। माता बहुत आनाकानी करके धन्य को संसार में रहने हेतु समझाती है। आखिर में धन्य के दीक्षा की भावना को समझते हुए अनुमति प्रदान कर देती है। परमात्मा महावीर स्वामी के हाथों रजोहरण का स्वीकार कर धन्य साधु बनते हैं। उनका नया नाम रखा जाता है धन्नाणगार। दीक्षा के दिन ही धन्नाणगार परमात्मा के पास से कठिन अभिग्रह लेते हैं। आजीवन छठ के पारने छठ और पारने में भी आंबिल ही करना। निरंतर छठ और आंबिल करने के कारण रूपवान धन्नाणगार निस्तेज हो जाते हैं। पृष्ट धन्नाणगार निर्बल हो जाते हैं। शक्तिशाली धन्नाणगार दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन उनका तेज हमेशा बढ़ता जाता है। मजा आ रहा है ना? ऐसी और भी मनपसंद और ज्ञान देती एनिमेटेड फिल्म देखने के लिए जैन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जिन शासन के महापुरुषों का परिचय देती सचित्र पुस्तक श्रेणी पाने के लिए संपर्क करें। 1, 2, 3, 4, 4, 6 आपके संतानों के जीवन में संस्कार का सिंचन करने वाली सचित्र पुस्तकें लेना ना भूले। हमारी चल रही ज्ञानवर्धक प्रवृत्ति जानने के लिए लॉग ऑन करें www.jainonline.org। ऐसे भीष्म तपस्वी धन्नाणगार का नाम परमात्मा के श्रीमुख से सुनकर राजा श्रेणिक उनको वंदन करने जाते हैं। राजा श्रेणिक धन्नाणगार को 3 प्रदक्षिणा देकर वंदन करते हैं और कहते हैं, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप धन्य है, क्योंकि आज स्वयं परमात्मा ने आपके संयम और तप की प्रशंसा की है। तप के साथ साथ धन्नाणगार 11 अंग शस्त्रों का अभ्यास करते हैं। 8 महीने व्यतीत होते हैं, तब धन्नाणगार को अनशन की भावना जागृत होती है। परमात्मा की अनुज्ञा लेकर धन्नाणगार विपुल गिरी पर्वत पर 1 महीने का अनशन करते हैं। काल धर्म होने पर अनुत्तर देवलोक में 35 सागरोपम के आयुष्य वाले देव बनते हैं। वहां से च्यवन होकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और संयम का स्वीकार कर मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी आत्मा संसार में भटकती है, उसका कारण है कर्म। कर्म हमें कभी देव बनाते हैं, कभी नरक में भेजते हैं, कभी तिर्यंश तो कभी मनुष्य भी बनाते हैं। इस कर्म शत्रु का नाश करने का अमोघ शस्त्र है तप। मनुष्य भव पाकर हम भी धन्नाणगार की तरह तप के द्वारा कर्मों का नाश करके सिद्ध बने।